नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग ये जड़ी बूटी देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, आपको बताने के लिए। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी जो है इसको ध्यान से पहचान लीजिए, इसको चकवड़ बोलते हैं, चक्रमर्द के भी नाम से जाना जाता है ये, और चिरौटा के भी नाम से जाना जाता है ये इसका पत्ता है और ये फली है, ये फल है इसका, और ये पीला पीला फूल है, ये फूल पीले हैं। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है और बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये किन किन रोगों में काम आती है और किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत से भाई हैं जिनको बारिश गिरते ही खाज खुजली और तमाम बीमारियां लग जाती है त्वचा के संबंधित, तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, इसी के बारे में चर्चा होगा आज। तो दोस्तों ये चकवड़ है, चक्रमर्द के भी नाम से जाना जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। तो आपके इधर किस नाम से जाना जाता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों बारिश गिरने लग जाती है तो हमको बहुत से भाइयों को, बहुत माताएं को, बहुत बहनों को खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, बारिश गिरने के बाद सबको हो जाती है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमको क्या करना है, ये पेड़ जो है ये बहुत आसानी से मिलता है हमारे बारिश के मौसम में, रोड के किनारे बहुत ज़्यादा तादाद में मिलता है हमको। तो हमको क्या करना है, इस पौधे का फली जो है, फली ये फली तोड़ के लाना है हमको, और ये फली तोड़ने के बाद इस फली को सुखवा देना है। ये फली तोड़ने के बाद सब, तो 50 ग्राम के मात्रा में फली तोड़ लो आप और उसको लाके सुखवा दो। सुखवाने के बाद उसका बीज निकाल दो आप। बीज निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस बीज को बारीक मिक्सर पे या सिलबट्टा हो, सिलबट्टे पे बारीक पीस दो आप, पीस के उसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप पाउडर बना लेते हो उसका, तो आप उसमें नारियल तेल ऐड करना है, आपको नारियल तेल ऐड करना है, और आपका जो खाज खुजली हुआ उसी के हिसाब से आपको आधा चम्मच या एक चम्मच, ज़्यादा हुआ तो एक चम्मच, नहीं तो आधा चम्मच आप पाउडर ले लो किसी छोटे से उस बर्तन में, आधा चम्मच आप पाउडर लो और नारियल का तेल उसमें डाल दो उसी के हिसाब से, जो गीला हो जाए पूरा गीला कर दो उसको, पेस्ट बना दो। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ पे आपका खाज खुजली हुआ है, जहाँ दाद हुआ हो, खाज खुजली दाने कुछ भी हुआ हो, प्रॉब्लम आपको बारिश में होती, तो आप उस पर लगाओ, उस पेस्ट को आपको उस पर लगाना है, और 4 से 5 दिन आप ऐसे लगाओगे पेस्ट को तो आपका खाज खुजली ख़त्म हो जाएगा, और 1 हफ्ते तक अगर आप लगातार इसको लगाते हो तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इसको लगाना कब है, शाम को आप सोते हो, सोते समय लगाना है उसको, और सुबह उठ के अपना धुल लेना है, नहीं धुलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह शाम 2 टाइम अगर आप लगाते हो तो 3 से 4 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, और आपको 1 हफ्ते तक ऐसा करना है, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा होगा नहीं। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। नमस्कार, जय हिंद।